अमर पाशवान अन्योषी बेहतर है। राजद की ये मान्यता है कि हमारे उम्मीदवार की स्थिति अच्छी है, नतीजा राजद के पक्ष में आना चाहिए। आम लोगों में अमर पाशवान के प्रति एक अच्छी राय थी सब लोगों। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं, मैं हूं करिश्मा। बोचहा उपचुनाव के कल नतीजे आने वाले हैं। सुबह 9 बजे से काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और शाम होते होते रिजल्ट जारी हो जाएगा कि बोचहा में उपचुनाव कौन जीत रहा है। इसको लेकर जगतानंद सिंह ने आज बड़ा बयान दे दिया है। जगतानंद सिंह ने कहा कि जो नतीजे आएंगे वो राजद के पक्ष में होगा, अमर पासवान बोचहा उपचुनाव जीतने जा रहे हैं। पहले सुनिए जगतानंद सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। सूचना के अनुसार राजद के अमर पासवान स्थिति अन्योषी बेहतर है, लेकिन चुनाव की पहले कोई घोषणा तो कर नहीं सकता है। घोषणा के पहले वहाँ आम लोगों में अमर पाशवान के प्रति एक अच्छी राय थी सब लोगों ने बताया, और दूसरे उम्मीदवार थे उनके बारे में अच्छी राय नहीं थी। जहाँ तक हम लोग को लगता है इस उपचुनाव में नतीजे तो कल आएंगे, लेकिन नतीजे राजद के पक्ष में आएंगे ऐसा सभी लोगों का कहना है, समीक्षकों का भी कहना है, अखबार वालों ने भी यही लिखा। लेकिन लड़ाई लड़ाई होती है, अंत में क्या नतीजे होते हैं वो तो अंत में आता है। सत्ता पक्ष का कहना है कि राजद वालों को अभी जश्न मना लेने दीजिए, पर जब परिणाम आएंगे तो फिर एनडीए वाले जश्न मनाएंगे। मतलब बीजेपी के कहना बाकी ख्याली पुलाव की तो आरजेडी पकाती है। अच्छा आप ही बताओ, आप हमसे पूछ रहे हो, मैं कह रहा हूँ कि हम ही जीत जाएंगे और हमारे किसी कहने से मशीनें कोई नतीजा नहीं निकाल देगी। अब सारी चीज़ें मशीन में जा चुकी हैं, अब अलग है कि अपनी संभावना के आधार पर हर पार्टी अपनी बात कहती है। राजद के तरफ से उम्मीदवार को अच्छा माना गया था, और ये मैंने कहता हूँ कि उनके उम्मीदवार को खराब ही कहा गया था, लेकिन चुनाव में तो जीतता है कोई एक ही, कोई एक ही चुनाव जीतता है। राजद लड़ाई में है ये तो नहीं ना कोई कह रहा है, और ये कह रहा है अपने बारे में कि हम ही जीत जाएंगे। तो आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि बिना चुनाव में नतीजा आए हुए कोई ऐसी जीत गया। और जहाँ तक लोगों से पूछा जाए पार्टी वालों से, तो हर पार्टी अपने लिए बैठी है और हर पार्टी अपनी बात कहती है, और उन्हों का कथन है। राजद की ये मान्यता है कि हमारे उम्मीदवार की स्थिति अच्छी है, नतीजा राजद के पक्ष में आ सकता है, आना चाहिए। तो आपने सुना जगतानंद सिंह को, उन्होंने कहा कि एनडीए के लोगों को हल्ला मचाने दीजिए, लेकिन जो जब नतीजे आएंगे वो राजद के पक्ष में होंगे और ईवीएम में अमर पासवान के लिए जो लोग हैं अपना स्नेह अपना प्रेम बंद कर दिए हैं ईवीएम। कल नतीजे से पहले जगतानंद सिंह ने बयान दिया और कहा कि अमर पासवान बोचहा जीतने जा रहे हैं। हालांकि कल काउंटिंग की प्रक्रिया कल सुबह से शुरू हो जाएगी और नतीजे कल आ जाएंगे। अब देखना होगा कि कल जीत किसकी होती है। बिहार से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए आप बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले और फेसबुक पर लाइक करना न भूले। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।